हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ईपे वुड की डेकिंग के बारे में। तो देखिए, ईपे वुड की डेकिंग के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन ईपे वुड की डेकिंग का क्या प्रॉफिट है, मतलब क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल हर चीज़ प्लस क्या है, माइनस क्या है, ठीक है। इसी तरह आगे की जो वीडियो होगी वो थर्मोपाइन वुड के बारे में होगी, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो एक एक चीज़ को लेके चलते हैं कि आप अपने हिसाब से आपको जो बेटर लगे डिकिंग कराना वो आप करा सकते हैं, जो आपको लुक वाइज अच्छी लगती है। तो सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सबके अलग अलग लुक है, सबके अलग अलग यूज़ हैं। यूज़ तो खैर कह सकते हैं सेम ही है, लेकिन लुक अलग अलग है और क्वालिटी अलग अलग है। तो सबसे पहले आते हैं ईपे वुड। तो सिंपल बात, आपको ईपे वुड एक तो नेचुरल लकड़ी होती है और काफ़ी हार्ड लकड़ी होती है, मतलब आप अगर इसका वेट से ये थर्मोपाइन है, ये बहुत ही हल्की है, इतनी अगर सेम इसी के साइज में अगर आप ईपे वुड लेते हैं, जैसे कि ये ईपे वुड आपको दिख रही है, तो इसके वेट का जस्ट 4 गुना वेट उसका होगा, इतनी हार्ड और इतनी हैवी लकड़ी होती है। तो एक तो लकड़ी तो बहुत अच्छी है, बारिश हो चाहे धूप हो चाहे ठंडी हो, उसमें कोई ख़राब भी नहीं आती कि आप सोचें कि वो गल जाएगी, सड़ जाएगी, क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होंगे जो कभी कभार हो जाते होंगे कि एक आधा कोई लकड़ी डिफेक्टेड आ गई है, कुछ उसमें दिक्कत आ गई है, कोई इशू आ गया है, पहले से हल्की फुल्की क्रैक रही हो तो उसकी वजह से ज़्यादा क्रैक दिख रहा हो, तो वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होते हैं। न तो नॉर्मल आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा क्रैक होने का और किसी चीज़ का कि लकड़ी आपकी ख़राब है या फिर गल गई या फिर सड़ गई। अच्छा, ईपे वुड में आप जब भी डेकिंग कराएं तो कोशिश ये करिएगा 1 इंच की, जैसे ये मिसाइल तो थर्मोपाइन है, लेकिन ये आप 1 इंच मोटाई की ईपे जो लकड़ी होगी वो लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे वीडियो में आपको दिख रही है, ये लगभग 1.25 इंच के आसपास की है, 18 mm 19 mm भी पूरा नहीं है, देखा जाए पतली लकड़ी की है। तो इसमें और 1 इंच की लकड़ी में क्या फ़र्क होता है, 1 इंच की लकड़ी सिंपल सा कॉस्टली ज़रूर होगी, 100-150 रुपये, लेकिन वो बेंट नहीं होती है। ईपे में थोड़ी सी दिक्कत कभी कभार आती है कि अगर आप उस पर ऑयलिंग प्रॉपर नहीं करते हैं और काफ़ी दिन बाद आप मेंटेनेंस नहीं ध्यान रखते हैं, और तो कभी कभार कुछ कुछ प्लैंक्स जो उसके होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, वो भी हल्के फुल्के बेंड होते हैं। लेकिन सिंपल बात है, एक बेंड होना अलग इशू है, लेकिन सिंपल था, आप जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो चीज़ जब बेंड होती है तो थोड़ा सा खर्चा है कि आप इतना रुपये देने के बाद भी ये चीज़ लकड़ी ऐसे बेंड हो रही है। इसका रीज़न क्या है, एक तो हार्ड है, लेकिन जो इसके ऊपर पीयू पॉलिश तो होती नहीं है, ठीक होने के मतलब हो सकते हैं, लेकिन आप इतना खर्चा बाहर के लिए क्यों करेंगे, पीयू पॉलिश तो कितने दिन चलेगी लकड़ी के ऊपर। लोहे के ऊपर पीयू पॉलिश चल सकती है, डेको पॉलिश चल सकती है, लेकिन लकड़ी के ऊपर आप बाहर के लिए करवाएंगे तो 1-2 साल तो निकल जाएगा, लेकिन 2-3 साल बाद फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि क्रैक तो होगा, फटेगा जरूर पॉलिश आपकी वो, क्योंकि सिंपल सा वेदर कंडीशन बहुत अलग अलग हो जाती है कि ठंडी हो गई अचानक गर्म हो गई, तो सिंपल लकड़ी क्या है, लकड़ी तो लकड़ी होती है, वो कभी बार अपने साइज चेंज करती है, कभी सिकुड़ जाती है, कभी फैल जाती है, तो उस तरह वो पेंट आपका क्रैक होना ही होना है। तो पीयू डिको सब बाहर करवाना बेकार, लकड़ी के ऊपर सिंपल सी ऑयलिंग कराओ, ये ऑयल है, कई सारे ऑयल आते हैं मार्केट में, आप पता कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको सीधे कपड़े से लेके ऑयलिंग, इसको जब आपको लगे कि हाँ गंदा हो गया है, एक बार साफ़ कर दीजिए और सीधे ऑयल कर दीजिए, तो उस तरह दोबारा आपको इस तरह की फिनिशिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ईपे में और क्या चीज़ है कि आपकी थिकनेस ये ध्यान रखिए, जो मैं ज़्यादा 1 इंच का लीजिएगा ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपका बजट इतना नहीं तो फिर मजबूरी फिर आप पतले प्लैंक्स लेने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबे प्लैंक्स मत लीजिएगा, कि जितना लंबा प्लैंक्स लेंगे तो उतना बेंड होने का इशू रहेगा। 3 फिट का प्लैंक आपका है तो आप जितने स्क्रू आसपास रहेंगे तो उतने बेंड कम होगा। और ये है कि इसकी डेकिंग बड़ी ही प्यारी होती है, जब भी आप इसकी फिनिशिंग करते हैं ऑयलिंग करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है, मतलब कोई भी बंदा होगा वो एक बार देख के बोलेगा हाँ यार बड़ी अच्छी फ्लोरिंग दिख रही है। बस ये ऑयलिंग 3-4 महीने में एक बार ऑयलिंग कर दें तो फिर जो है आपकी लकड़ी सेम एच टी सी दिखते रहेगी। ऑयलिंग क्या है, कुछ दिन बाद ऑयल उड़ जाता है तो इसकी वजह से लकड़ी फिर से फेड हो आती है, बस एक ही दिक्कत ये है और कोई खास इशू नहीं है। प्लस पॉइंट ईपे का एक और है, अगर आप डोर से आपके सॉलिड डोर लोग डिले वाले डोर जो बोलते हैं, जैसे आप फोटो में देखें ये जो डोर बना हुआ है ये कोई नॉर्मल लकड़ी का नहीं, ये ईपे का ही बना हुआ है, ईपे के प्लैंक्स लगा दिए गए हैं इसमें। अब सोचिए डोर कितना हैवी होगा और कितना मजबूत होगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप चीज़ें डिज़ाइन कर, अगर आपको डोर बनवाना हो तो
तो ईपे का भी इस्तेमाल आप डोर में यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है पॉलिश देने के बाद। ठीक, तो दोस्तों बहुत कुछ तो खास नहीं था बताने के लिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं बेसिक नीड्स होती हैं, फिर कुछ दिक्कतें जो आती हैं वो आप जो है वो आपको बताना जरूरी था मुझे मेरी तरफ से। ठीक है, आप इसे फ्लोरिंग भी यूज कर सकते हैं और दीवारों पर भी इस तरह यूज कर सकते हैं। कैसे, डेकिंग बनाना डेकिंग बनाइए, दीवार में एलिवेशन भी यूज करना एलिवेशन आप इस तरह बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।